चलो हो गया ना। चलो तो हाँ, कुछ हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे जी? कौन से सूरम है? इसको हमने बताया नहीं था। अच्छा चलो, FR2R' एक हमारा क्या है जी, रिंग होमोमार्फिज्म है, और S क्या है, सब रिंग है। S किसकी सब रिंग है जी? R की। तो हमें दिखाना है कि FS किसकी सब रिंग हो जाएगी, R' की। पकड़ो, ये हमको दिखाना है। देखो, सबसे पहले एस आर का क्या है, सब रिंग है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि लेट एक्स और वाई कहाँ के एलिमेंट हैं जी, एस के हैं। एस हमारा क्या है, सब रिंग है। तो सब रिंग का कितना कंडीशन होता है, दो कंडीशन। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई कहाँ हो जाएगा, एस का, और एक्स डॉट वाई कहाँ हो जाएगा, एस का। एक का सही है। देखो, अगर एक्स वाई कहाँ के एलिमेंट हैं, एस के हैं। देखो, एक्स वाई कहाँ के एलिमेंट हैं, एस का। तो एफ एक्स और एफ वाई ये कहाँ के एलिमेंट हो जाएंगे, एफ एस के। देखो, अगर एक्स वाई एस के हैं तो एफ एक्स एफ वाई कहाँ हो जाएगा, एफ एस का हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको दिखाना है कि एफ एस हमारा क्या है, सब रिंग है। तो इसके लिए हम क्या दिखा दें, टू प्रूफ, हम क्या दिखा दें बाबू, कि एफ एक्स माइनस एफ वाई ये कहाँ का है, एफ एस का है। और दिखा दें इनका जो प्रोडक्ट है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये भी कहाँ का है, एफ एस का। यही दोनों चीज़ हमको दिखाना है। ठीक है, एस दिया था तो ये दोनों कंडीशन होल्ड होगी। हमको एफ एस दिखाना है, एक्स वाई अगर एस के एलिमेंट हैं तो एफ एक्स एफ वाई कहाँ के होंगे, एफ एस के होंगे। तो हमको ये दिखाना है। ठीक, चलो कंसीडर, हम पहला दिखा रहे हैं। देखो क्या दिखा दें, एफ एक्स माइनस क्या, एफ वाई इजक्वल टू। देखो तुम लिख सकते हो इसको क्या, एफ एक्स प्लस क्या लिख सकते हो, एफ माइनस वाई। क्यों? क्योंकि प्रूफ किए हो कि एफ माइनस ए इजक्वल टू क्या होता है, माइनस एफ ए होता है। इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स, सॉरी एफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस क्या, माइनस वाई। क्यों बोलो, सिंस एफ इज क्या है, होमो मॉर्फिज्म है। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, एफ एक्स माइनस वाई। अब देखो, ई एफ एक्स माइनस वाई हो गया। देखो, जब एक्स माइनस वाई कहाँ का है, एस का है, तो बाबू यहाँ से तुम लिख सकते हो ना कि एफ एक्स माइनस वाई कहाँ हो जाएगा, एफ एस का हो जाएगा। एक्स वाई एस का है तो यहाँ से लिख सकते हो कि एफ एक्स डॉट वाई कहाँ हो जाएगा, एफ एस का हो गया। तो ये कहाँ का एलिमेंट हो गया, एफ एस का। इसका मतलब हो गया, दैट इज एफ एक्स माइनस एफ वाई ये कहाँ का एलिमेंट हो गया, एफ एस का। पहला प्रूफ। ठीक, अब आते हैं डॉट वाले पे। तो देखो, एफ एक्स इंटू क्या, एफ वाई इजक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स डॉट वाई। क्यों? क्योंकि सिंस एफ इज क्या है, होमोमॉर्फिज्म। अब तुमको पता है कि ये कहाँ का एलिमेंट है। देखो, एफ एक्स वाई कहाँ का है, एफ एस का। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, एफ एक्स एफ वाई एलिमेंट कहाँ हो जाएगा, एफ एस का। यहाँ मन करेगा तो बिल्कुल नहीं देना, सिंस एफ एक्स वाई कहाँ का एलिमेंट है, एफ एस का। बस हो गया प्रूफ, यही दिखाना। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, बस यही दिखाना है। क्या दिया है, क्या दिखाना है, अगर तुमको इतना क्लियर हो गया, एक दो स्टेप है बस, आ जाएगा। ठीक है, लिखो। हम क्वेश्चन ट्रिक पढ़ा दिए ना, अरे बहुत पीछे हैं जी हम तो। लिखो, लेट एफ आर टू आर डैश, यहाँ लिखा है, लेट एफ आर टू आर डैश
बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म एंड एस कैपिटल रहेगा एंड एस बी अ सब रिंग, एस बी अ सब रिंग ऑफ रिंग आर, ऑफ रिंग आर, देन देन वी हैव टू शो दैट, देन वी हैव टू शो दैट एफ एस, एफ एस इज अ सबरिंग ऑफ, सबरिंग ऑफ आर डैश, नीचे से इफ एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई एलिमेंट ऑफ एस, ऐसे ऐसे लिखते हैं जी, आई बकलवर डिडी हूँ, इफ एक्स कामा वाई एलिमेंट ऑफ एस बी एनी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट, बी एनी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट देन देन एफ एक्स कामा एफ वाई, देन एफ एक्स कामा एफ वाई एलिमेंट ऑफ एफ एस, एलिमेंट ऑफ एफ एस विल आल्सो आर्बिट्रेरी एलिमेंट, विल आल्सो आर्बिट्रेरी एलिमेंट नीचे से एज वी नो दैट, एज वी नो दैट एस इज अ शबरिंग, एज वी नो दैट एस इज अ शबरिंग ऑफ रिंग आर, ऑफ रिंग आर एंड एक्स कामा वाई एलिमेंट ऑफ एस, एक्स कामा वाई एलिमेंट ऑफ एस देन देन इसे लिख लीजिए एक्स माइनस वाई एलिमेंट ऑफ एस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स माइनस वाई एलिमेंट ऑफ एफ एस एंड एक्स डॉट वाई एलिमेंट ऑफ एस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स डॉट वाई एलिमेंट ऑफ एफ एस। लिख लिया ये दोनों, देखो नाउ कंसीडर, नाउ कंसीडर अबे यहां से उठाओ और यहां तक लिख लो, दोनों लिख लो, ये कोई रखा है क्या जी रुमाल, अब आंचल कौन हमको नहीं पता, अभी तो नाम हमको पता नहीं है जी, बस ये में जानते हैं डी डी यू एम जी पी जी डी ए। अच्छा तुम्हारे घर छठौट मनाया गया था, घर तुम गए थे, जल्दी पढ़ो, लिखो जल्दी,
हमने कहा था कर्नल ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ के आने के लिए, बहुत अच्छे काम किए। हमने ये भी कहा था कि फंडामेंटल थ्योरम भी पढ़ के आने का, बट कोई बात नहीं, सबसे लिख लिया। हाँ अगेन अगेन करके दोनों लाइन। देखो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम वन एंड टू इट इज क्लियर दैट एफ एस इज अ सबरिंग ऑफ रिंग आर डैश, एफ एस इज अ सबरिंग ऑफ रिंग आर डैश। अगला डेफिनेशन लिखो, कर्नल ऑफ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। चल अब इसको देखो कैसे, इसको हम लोग क्या क्या डेफिनेशन होता है। देखो एफ आर टू आर डैश ये क्या है जी, रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो जो कर्नल एफ होता है, कर्नल एफ उसे कैपिटल के भी कहते हैं, ठीक, के ई आर कर्नल एफ या के, यह ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन होता है किसके, आर के, जो एफ एक्स को क्या करे, एक्स को क्या करे, इसके आइडेंटिटी पे क्या कर दे, मैप कर दे। आर के ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन होता है जो कहाँ मैप करे, आर डैश के आइडेंटिटी पे, ठीक। अच्छा हमने तुमको बताया था, अब देखो अगर एक्स एलिमेंट कहाँ का है, कर्नल एफ का, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो डैश। देखो x कर्नल f ऐसे एलिमेंट है ना, x r का है, तो एफ एक्स क्या है, जीरो डैश। तो अगर x कर्नल f का है तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो डैश। अगर कहीं एफ एक्स बराबर जीरो डैश है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x कहाँ खो जाएगा, कर्नल f का। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी हम लिखाएंगे। अच्छा अब हमको देखना है कि कर्नल f क्या नॉन एम्प्टी सेट है कि एम्प्टी सेट है। देखो अभी तुम पढ़े हो, हमने पढ़ाया है एफ जीरो इजक्ल टू क्या, जीरो डैश। इसका मतलब क्या हो गया, जीरो कहाँ का हो गया, कर्नल एफ का। इसका मतलब क्या हो गया, कर्नल एफ एक क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सेट। क्लियर है, कर्नल एफ क्या होता है, एफ आर टू आर डैश कोई रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो कर्नल एफ आर के ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन है जिनकी मैपिंग कहाँ होती है, आर डैश के आइडेंटिटी पे, ठीक। अगर एक्स कर्नल एफ का है तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो डैश। हमको देखना है कि कर्नल एफ एम्प्टी है कि नॉन एम्प्टी है। हम पढ़े थे एफ जीरो इजक्ल टू क्या, जीरो डैश। इसका मतलब है कि जीरो कहाँ का हो गया, कर्नल एफ का। इसका मतलब कर्नल एफ क्या हो गया हमारा, नॉन एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। चलो लिखो, लेट ऐसे आर प्लस डॉट एंड आर डैश प्लस डॉट, ऐसे लेट आर प्लस डॉट एंड आर डैश प्लस डॉट बी टू रिंग्स
बी टू रिंग्स एंड एफ आर टू आर डैश, एफ आर टू आर डैश बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म देन कर्नल ऑफ एफ, देन कर्नल ऑफ एफ इज डिफाइंड बाय, इज डिनोटेड बाय, कर्नल ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय कैपिटल के, कैपिटल के एंड इज डिफाइंड एज, एंड इज डिफाइंड एज, इसको लिख लीजिए, ये आपका दिस वेयर जीरो डैश इज एन एडिटिव आइडेंटिटी, किसकी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर डैश, इसको लिख लीजिए, लिखो। तो कल तो क्लास चली नहीं थी जी, छुट्टी थी, वेडनेसडे को आए थे सब। अच्छा, क्लास व्लास कोशिश करना चाहिए जी कम छोड़े, क्योंकि वैसे भी हमारी छुट्टी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। चलो चलो, लेकिन उसका फायदा कहाँ हो रहा है? उसका फायदा बस तुम्हें हो रहा है, हमें तो हो ही नहीं रहा है। बताओ कौन फायदा हो रहा है? तुम इस यथेज हो, तुम लोग कभी जिक्र करते हो कि हम लोग यहाँ पढ़ते हैं? हम अपनी पेपर बात कर रहे हैं, अलजबरा अच्छा पढ़ाया जाता है, तो फिर बच्चे आते क्यों नहीं है? हाँ आगे बोलो। तो ओवरऑल क्वेश्चन पे जाके बताओ के बोलते हैं, तो मैम पूछ रही थी, डिडियन तुम क्लास में जाती हो जी? तो आप बच्चे तुम्हें क्या लगता है, आपकी दोस्ती नहीं सर जाती है, जात बन रही है, जाती है। नहीं नहीं, तो ये तो डीएवी मान लो और भी बच्चे तो होंगे जी। तो उन सबको मोटिवेट करना चाहिए तुम लोगों को, अगर मान लो ठीक है बेला पढ़ते थोड़ा सा कुछ पूछा उछा करो, बता पाते नहीं होता। नहीं नहीं, अगर मान लो पढ़ रहे हैं तो तुम्हें एक बार जरूर कुछ अलजेब्रा में पूछना चाहिए। चलो, अरे बस तुम ही लोग खाली अच्छा अच्छा पढ़ ले रहे हो। चलो लिखो, सिंस वी नो दैट, सिंस देखो कर्नल एफ आएगा, सिर्फ इतने डिफिनेशन लिखना है, ठीक है ना? ये जो हम लिखा रहे हैं तुम्हारे जानकारी के अनुसार कि कर्नल एफ क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। लिखो, सिंस वी नो दैट एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश, एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश इम्प्लाइज दैट जीरो एलिमेंट ऑफ कर्नल एफ, जीरो एलिमेंट ऑफ कर्नल एफ नीचे से, सो कर्नल एफ इज अ नॉन एम्प्टी सेट, सो कर्नल एफ इज अ नॉन एम्प्टी सेट। इसको कहीं नोट करके लिख लो, ये आपको जरूरत पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं,
इसे कहीं नोट करके लिख लेना। अगला एक एक थ्योरम है, उसको लिखा जाए। चलो एक थ्योरम लिखो। लिखो थ्योरम, इफ ये कहे थे नोट रखे लिखने के लिए जी। तुम कहाँ लिखे हो? अच्छा चलो ठीक है भाई, लिख ले तो चलो फिर लिखो। इफ इफ एफ आर टू आर डैश एफ आर टू आर डैश बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म बी अ बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म देन देन कर्नल एफ इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो इफ एंड ओनली इफ एफ इज वन वन। कर्नल एफ इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो इफ एंड ओनली इफ एफ इज वन वन। एक बार दिखाना है कि कर्नल एफ अगर सिंगलटन जीरो है तो हमारा एफ क्या है? वन वन है। फिर दिखाना अगर एफ वन वन है तो कर्नल एफ क्या है? सिंगलटन जीरो। ठीक, ये दिखाना है, पक्का ना? चलो आते हैं दिखाते हैं। देखो हम मान लेते हैं कि पहले यहाँ देखो फिर लिखाएंगे हम। लेट कर्नल एफ इक्वल टू क्या मान लेते हैं जी? सिंगलटन जीरो। ठीक, लेट x और y कहाँ का एलिमेंट मान लेते हैं जी? R का। एंड कंसीडर, क्या कंसीडर? हमको दिखाना है f इज वन वन, तो हम लोग क्या लेके चलते हैं? एफ एक्स बराबर एफ वाई लेके चलते हैं और क्या दिखा देते हैं? x इक्वल टू वाई। वन वन पढ़े हो ना जी, पढ़ाते हो तो हैं, तब भी कन्फ्यूज हो। एफ एक्स बराबर एफ वाई लेके चलते हैं और क्या दिखाते हैं? x इक्वल टू वाई। जितने यूपी बोर्ड वाले हैं या इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ये सब छोड़ देते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, क्योंकि टीचर को भी इतना नहीं समझ में आता है, स्टूडेंट को और नहीं समझ में आता है। ठीक, हाँ भैया हम जानते हैं, हम भी यूपी, हम भी पढ़े हैं इंटर, पढ़ के ही आए हैं वहाँ से। ठीक है जी, डायरेक्ट एमएससी में नहीं हो गया है। चलो तो कंसिडर क्या जीताओ? एफ एक्स इक्वल टू क्या जी? एफ वाई। इम्प्लाइज डेट क्या हो जाएगा? एफ एक्स माइनस एफ वाई इक्वल टू क्या जी? जीरो डैश। अगर यहाँ पे जीरो डैश है तो किसकी आइडेंटिटी है? आर डैश की। अगर जीरो लिखते तो भी किसकी आइडेंटिटी होती? आर डैश की ही होती। क्यों? क्योंकि एफ एक्स एफ वाई कहाँ के हैं? आर डैश के हैं। इम्प्लाइज डेट क्या हो जाएगा? ये एफ एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा? एफ माइनस वाई इक्वल टू जीरो डैश। क्यों? आपने पढ़ा है रिजल्ट, ये क्या होता है? माइनस एफ ए होता है। इम्प्लाइज डेट क्या हो जाएगा? एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू क्या जी? जीरो डैश। कैसे लिख दिया? सिंस एफ इज क्या जी? होमोमॉर्फिज्म। इम्प्लाइज डेट क्या हो गया? एफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या जी? जीरो डैश। अभी हमने पढ़ा था कि एफ एक्स बराबर अगर जीरो डैश है तो एक्स कहाँ का होता है? कर्नल एफ का। x माइनस वाई कहाँ का हो गया? कर्नल f का। और कर्नल f में क्या है? सिर्फ और सिर्फ जीरो है। इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई क्या हो गया? जीरो हो गया। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो गया? वाई। तो a लेके चले थे, a दिखा दिए। तुम लोगों को जी थोड़ा सा वो प्रचार करना चाहिए, लेकिन तुम लोग प्रचार करते नहीं हो जी, नहीं करते हो ना? बोलो जी, नहीं करते हो। अगर करते तो कुछ रिस्पांस मिलता। एफ इज वन वन, क्लियर है? लिखो, लेट एफ आर टू आर डैश
लेट एफ आर टू आर डैश बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। लेट कहाँ लिखी हो जी तुम, हाँ बकलोलदास। लेट एफ आर टू आर डैश बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म एंड कर्नल एफ इजक्वल टू सिंगलटन जीरो, एंड कर्नल एफ इजक्वल टू सिंगलटन जीरो। देन वी हैव टू शो दैट, देन वी हैव टू शो दैट एफ इज वन वन, देन वी हैव टू शो दैट एफ इज वन वन। नीचे सर लेट लेट एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर आर एंड कंसीडर या एंड कंसीडर या सच दैट लेट एक्स एक्स कॉमा वाई एलिमेंट ऑफ आर सच दैट एफ एक्स इजक्वल टू एफ वाई। आप जो भी लिखे हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ से उठाइए यहाँ पूरा लिख डालिए, कहीं कोई स्टेप में दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। फास्ट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाना है आज। मुझे लगता है कि कोसेंटरिंग भी हम स्टार्ट कर देंगे मे बी। डेडी तुमको समझ में आ रहा है? yes, लग रहा है कि ना कुछ अलजेब्रा फर्स्ट टाइम नहीं पढ़े थे, कुछ सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है यार। अब कसम नहीं खा सकूं तुम्हारे, ठीक है, सोचते हैं कि ठीक ठाक वो पढ़ा दिया जाए। तो थर्ड ईयर में कितने बच्चे आ रहे हैं जी? डीएवी बोलो। तुम तो डीडीयू में क्लास क्लास किया करो जी, ठीक है, तो क्लास क्लास किया करो, उससे फायदा मिलेगा। अब सही हो गया ना? हाँ, उसका टाइम टेबल देख लो, क्लास करो। लिखो कन्वर्सली, कन्वर्सली लिखो। लेट एफ आर टू आर डैश, लेट एफ आर टू आर डैश बी अ वन वन रिंग होमोमॉर्फिज्म, बी अ वन वन रिंग होमोमॉर्फिज्म। देन वी हैव टू शो दैट, देन वी हैव टू शो दैट कर्नल एफ इजक्वल टू सिंगलटन जीरो, so that kernel f is equal to singleton zero। ठीक, चलो देखो कितना अच्छे से दिखाते हैं इसको। देखो let क्या जी, x element of kernel f be an arbitrary element, be an क्या जी arbitrary element, ठीक है। x कहाँ का ले लिया, kernel f का, और हम क्या दिखा दें, x बराबर zero। तो देखो x एलिमेंट ऑफ कर्नल f का है तो एफ एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, जीरो डैश। तो यहाँ पे एफ एक्स इजकल टू क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है, f जीरो। क्यों, सिंस यहाँ लिख सकते हो क्या,
एफ जीरो इक्वल टू क्या होता है जीरो डैश, एफ क्या है वन वन है, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, पक्का ना। एफ एक्स बराबर एफ वाई होता है तो एक्स बराबर क्या दिखाते हैं वाई, तो एफ एक्स बराबर क्या था एफ जीरो, एक्स बराबर क्या हो गया जीरो, एक्स लिया कर्नल एफ का क्या हो गया जीरो हो गया, वाई लोगे तो भी क्या आ जाएगा जीरो, इसका मतलब सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं जीरो, हेंस क्या कर्नल एफ इक्वल टू सिंगलटन। लिखो अगला थ्योरम, लिख लिया। चलो अगला लिखो थ्योरम, ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, इसके दो पेज नंबर 143 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 बुक नहीं है, अभी नहीं लिए हो, हम सोचे कि लिए ही नहीं हो। अच्छा ये बहुत बार पूछा गया है, मिला। चलो तो एक ए बी है, उसी को हम और आर करके लिखाते हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। लिखिए थ्योरम, लिखिए आप जो थ्योरम ये लिखा रहे हैं वही थ्योरम वो भी है, ठीक है, हाँ पढ़ लेना। लिखो लेट आर वन एंड आर टू, लेट आर वन एंड आर टू बी रिंग्स, बी रिंग्स एंड एफ आर वन टू आर टू, एफ आर वन टू आर टू बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर वन, रिंग होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर वन ऑन टू आर टू, ऑन टू आर टू देन प्रूव दैट कर्नल एफ इज एन आइडियल ऑफ रिंग आर वन। ठीक, मन करेगा तो इम्पोर्टेंट कर लेना, ठीक है जी। चलो मन करेगा तो, नहीं मन करेगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है, मन के मर्जी वाले इंसान हो। चलो आगे बढ़ा जाए, देखो हमको दिखाना है कर्नल एफ आइडियल है, तो आइडियल के लिए कितनी कंडीशन होती है जी, ए और बी अगर आई का है तो क्या दिखाते हैं ए माइनस बी क्या हो जाए आई का हो जाए, ही बता रहे थे। हाँ तो सब रिंग हम दिखाएंगे, तो दो कंडीशनों से भी दिखाएंगे, डायरेक्ट हम बताया था ना कि आई को आइडियल होने के लिए तीन कंडीशन कौन कौन, ए माइनस बी आई का हो जाए, ए आर आई का हो जाए और आर ए आई का हो जाए, जहाँ पर ए बी कहाँ के एलिमेंट हैं आई के, आर कहाँ का एलिमेंट है आर का, ठीक है।
कन्फ्यूज होते रहो कोई बात नहीं है, ठीक है, आराम से, आपका हक है कन्फ्यूज होना। नहीं जी, देखो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, बड़ा अच्छा है, एक्स एलिमेंट कहाँ का लेंगे आप, आर वन का, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, जीरो डैश, जीरो डैश किसकी आइडेंटिटी हो जाएगी, आर टू, ठीक है। अगर वो आर आर डैश दे रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आर वन आर टू दे रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना, कि यहाँ पे जीरो डैश है तो खाली आर डैश का ही होगा। भैया हो कोई रिंग हो आर वन टू आर टू या आर डैश आर टू आर डैश, चल अब देखो हमको दिखाना है, आई को हम आइडियल तब कहते हैं आर का, जब ए माइनस बी कहाँ को जाए, आई का ए आर और आर ए ये कहाँ हो जाए, आई का, फॉर ऑल ए और बी कहाँ होता है, आई का, आर कहाँ होता है, आर का। तो हम मान लेते हैं कि लेट ए और बी कहाँ का मान लें जी, कर्नल एफ का, इसी को दिखाना है ना आइडिया, लेट ए और बी कहाँ का जी, कर्नल एफ का, देन बाय डेफिनेशन बताओ क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एफ ए इजक्वल टू जीरो डैश एंड क्या जी, एफ बी इजक्वल टू जीरो डैश। देखो अब हमको दिखाना है कि ए माइनस बी कहाँ का है, कर्नल एफ का, ये दिखाना है। अगर हमको दिखाना है बाबू, देखो एक्स कहाँ का होता है, कर्नल एफ का, एफ एक्स इजक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो डैश। अब हमको दिखाना है कि ए माइनस बी कहाँ का है, कर्नल एफ का, कर्नल एफ का, तो हम दिखा दें क्या कि एफ ए माइनस बी इजक्वल टू क्या आ जाए, जीरो डैश। तो जैसे एफ ए माइनस बी जीरो डैश आ जाएगा तो ए माइनस बी कहाँ खो जाएगा, कर्नल एफ का, ठीक है। तो देखो कंसीडर एफ ए माइनस बी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एफ ए प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बी, ठीक, इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एफ ए प्लस क्या जी, एफ माइनस बी, क्यों, सिंस एफ इज क्या जी, होमोमॉर्फिज्म, ये क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस क्या हो जाएगा, एफ बी, क्यों, क्योंकि एफ माइनस ए क्या होता है जी, माइनस एफ ए होता है, इजक्वल टू ये क्या आ जाएगा, जीरो डैश माइनस जीरो डैश, इजक्वल टू क्या आ गया, जीरो डैश, दैट इज क्या हो गया, एफ ए माइनस बी इजक्वल टू क्या हो गया, जीरो डैश, इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी कहाँ का आ गया, कर्नल एफ का। कोई दिक्कत, पक्का ना, अलजबरा में जी मज़ा आना चाहिए। चलो फिर अगेन, लेट ए कहाँ का एलिमेंट जी, कर्नल एफ का, एंड आर कहाँ का एलिमेंट जी, आर वन का, ठीक। चलो अब हमको क्या दिखाना बाबू, बोलो क्या दिखाना है, एफ ए आर और एफ आर ए बराबर क्या हो जाए, जीरो डैश। तो हम कह देंगे कि ए आर कहाँ हो गया, कर्नल एफ का, तो एफ ए आर इजक्वल टू क्या हो जाएगा जी, एफ ए इन टू क्या जी, एफ आर, क्यों, सिंस बोलो एफ इज होमोमॉर्फिज्म, इजक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो डैश, एफ आर इजक्वल टू क्या हो गया, जीरो डैश, इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, ए आर एलिमेंट कहाँ का हो गया जी, कर्नल एफ का, इक्वेशन नंबर टू। सिमिलरली क्या हो जाएगा बताओ, एफ आर ए इजक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर इन टू एफ ए, सिंस एफ इज क्या जी, होमोमॉर्फिज्म, एफ आर इन टू क्या जी, जीरो डैश, इजक्वल टू क्या हो गया, जीरो डैश। तो आर ए कहाँ का एलिमेंट हो गया जी, कर्नल एफ का। इक्वेशन वन टू एंड थ्री से हम कह सकते हैं कि एफ हमारा क्या है, अरे कर्नल एफ क्या हो गया, आइडियल हो गया। कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लो भाई, फिर आगे बढ़ा जाए, इसको लिखा दिया जाए, काम खत्म। चलो लिखो, लिखते रहो समझते रहो रूम पे पढ़ते रहो, ठीक है।
जल्दी लिखो, लेट आर वन एंड आर टू, लेट आर वन एंड आर टू बी रिंग्स, बी टू रिंग्स, बी टू रिंग्स एंड एंड एफ आर वन टू आर टू, एफ आर वन टू आर टू बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर वन, ऑफ आर वन ऑन टू आर टू, ऑफ आर वन ऑन टू आर टू. देखो, वी नो दैट, वी नो दैट, क्या नो दैट, कर्नल एफ बराबर, इसको लिख लो, कर्नल एफ बराबर एक्स एलिमेंट ऑफ आर वन सच दैट एफ एक्स बराबर जीरो डैश, वेयर जीरो डैश इज एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर टू, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर टू. नीचे से हाँ, वी हैव टू शो दैट, नीचे से वी हैव टू शो दैट कर्नल एफ इज एन आइडियल ऑफ रिंग आर वन, रिंग आर वन. नीचे से लेट आर वन, लेट इसको लिख लीजिए, यहाँ से उठाइए पूरा इक्वेशन नंबर थ्री तक लिख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक. जितना पढ़ा रहे हैं आप अनसॉल्व से देखते रहिए, मिलाते रहिए, आपका दिल बाग बाग होगा, मतलब खुश होगा. ठीक है, अब जाके देखिएगा ये बहुत बार पूछा गया है, लेकिन बस यही है कि आप अपना फ़ायदा तो कर रहे हैं, मेरा फ़ायदा नहीं करा रहे हैं. तुम कहाँ से पढ़ते हो जी? एम जी पी जी के बच्चे कहाँ हैं? अरे तो साम दाम दंड भेद भाव इतने पाँच होते हैं, साम दाम दंड भेद भाव पाँच हैं, पाँचों लगाओ. नहीं जी, साम दाम दंड भेद भाव भाव भी होता है, भाव नहीं होता है, पता नहीं, लिखो. समझ आता है? हम तो तुम लोग का नाम भी नहीं जानते जी अभी. तुम्हारा नाम क्या बाबू? नितिन, ऋतिक, रोशन. चलो, तुम जी? तीन दयाल मिश्रा. तो तुम्हारा फेसबुक पे रिक्वेस्ट आया था क्या हमारा? तुम सोचे कौन है मिश्रा उसका करके. तुम्हारा जी? पांडे. चलो, मैं तुम्हारा उनको तो एक्सेप्ट नहीं किया अभी. नहीं, अरे उसकी बात कर रहा हूँ. चलो, ऐसी कोई बात नहीं है. सर, हमारे भैया मतलब नेट जैन ऑफ कैसे कर दिया, नहीं दिया सर, गाँव से.
ऐसी कोई बात नहीं, लिख लिया, जाके सब पढ़ लेना जी, ठीक है। लिख लिया, लिखो पूरा लिखना है वो तुमने लिखी हो क्या? ऐसे कैसे काम चलेगा? हमको लगा था कि ब्राह्मण होशियार होते हैं। अब ब्राह्मण की वैल्यू ख़त्म हो रही धीरे धीरे, आने वाले समय में। गांव में भी है लेकिन शहर में धीरे धीरे वो चीज़ें खत्म हो रही हैं। हाँ लिखो, मिटा देना है अभी, समझ में आएगा, जल्दी लिखो। खाली हम बतियाएं, तुम लोग चुप रहो। इस पे बात हम बाद में करेंगे, क्लास में नहीं, नहीं जी क्लास में कोई ये सब बातें नहीं, न कास्ट की, न आरक्षण की, न राजनीति की। अगला अरे लिखो इसमें, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, इट इज़ क्लियर दैट कर्नल एफ इज एन आइडियल ऑफ रिंग R1। अगले हेडिंग लिखिए, कोसेंट रिंग। आप कोसेंट ग्रुप पढ़ के आइएगा, हम कोसेंट रिंग पढ़ाएंगे, ठीक है ना? आप कोसेंट ग्रुप एक बार पढ़ के आइएगा, हम कोसेंट रिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं।